नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक लैंग्वेज चैनल में स्वागत है। आइए डियर, हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग टेबल वगैरह और आपका लिस्ट, हमने आपको लिस्ट से रिलेटेड आपको प्रोग्राम बता दिया था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखेंगे और इस प्रोग्राम को अच्छे से सीखेंगे, जिसका हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है वो है फ्रेम सेट। क्या है फ्रेम सेट है? तो आइए डियर, हम लोग बात करते हैं एचटीएमएल में कैसे हम लोग फ्रेम सेट को करते हैं, कितने कॉलम कितने रो बनाते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेम सेट से रिलेटेड हम लोग कैसे एग्जांपल को बनाते हैं, आइए। सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, वही काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं दोस्तों, ठीक है। नोटपैड हम ओपन करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं यहाँ पे हम लोग अपना कोडिंग शुरू करते हैं। और कोडिंग सबको पता है क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, बस वही पुराना चीज़ है, काफ़ी चीज़ हम लोग आपको सिखा दिए। चलिए एस्टिमेट टैग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एस्टिमेट टैग से। हमने यहाँ पे एस्टिमेट टैग लगाया, तुरंत हमको फ्रेम सेट से करना है तो वहाँ पे हेड टाइटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, फ्रेम सेट लिख दिया। क्या लिख दिया, फ्रेम सेट लिख दिया यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको सेट सेट कर लो, फ्रेम सेट हो गया आपका ये। बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या टाइप कर दिया, फ्रेम सेट टाइप कर दिया। फ्रेम सेट में सबसे पहले कॉलम डिफाइन करना है, तो फ्रेम सेट हमने यहाँ पे कॉलम रख दिया। कॉलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कॉलम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन करते ही हम लोग क्या करेंगे, इनवर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टार लगाना है। क्या लगाना है, स्टार लगाना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे आप स्टार लगा सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टार को लगा सकते हो, ओके। लगाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको क्या करना, अपने फ्रेम सेट को क्या करना है, डेयर बंद कर देना है। फ्रेम सेट हमारा क्लोज हो जाए, तुरंत इंटर करिए, तुरंत आइए यहाँ पे फ्रेम SRC, उसके बाद पोजीशन को रख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, फ्रेम SRC, ठीक है। क्या कर दिया, SRC इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML, फर्स्ट फ्रेम डॉट एस टी एम एल। बिल्कुल यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, फर्स्ट फ्रेम डॉट एस टी एम एल, फर्स्ट फ्रेम डॉट एस टी एम एल, ओके। हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिर हमने क्या किया, इसी तरीके से फिर यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, फिर यहाँ पर हमने फ्रेम सेट या फ्रेम एस आर सी इज इक्वल टू सेकेंड फ्रेम डॉट एस टी एम एल, सेकेंड फ्रेम डॉट एस टी एम एल, डॉट एस टी एम एल। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। फिर इसी तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, फ्रेम टैग यहाँ पे ओपन कर लिया, फ्रेम SRC इज इक्वल टू थर्ड फ्रेम, थर्ड फ्रेम डॉट एस टी एम एल, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रेम हमने डिफाइन कर लिया, फ्रेम SRC, फोर्थ फ्रेम डॉट HTML, ओके। फ्रेम सेट इस तरीके से क्या करेंगे, बंद कर देंगे,
37 हमारा क्लोज हो गया, एचटीएमएल हमारा क्लोज हो गया। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके से हमने फ्रेम सेट का एक एग्जांपल बनाया। तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे, फाइल को यहाँ पे जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइल का नेम यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए रवि नाम से हमने फाइल को सेव कर लिया, रवि डॉट एच टी एम एल नाम से हमने फाइल को सेव कर लिया। डेयर और इसको हम लोग रन कराते हैं, ओपन करते हैं, तो देखते हैं डेयर इसका आउटपुट हम लोग को क्या मिलता है। डेयर इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं और देखते हैं इसका। देखिए आउटपुट आप लोग को फ्रेम सेट इसी तरीके से मिल गया और ये हमारा फ्रेम सेट है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेम सेट को बना दिया। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फ्रेम सेट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर हमको कॉलम को डिफाइन करना था, हमने कॉलम डिफाइन कर लिया, रो डिफाइन करना, हमने रो को डिफाइन कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा फ्रेम सेट है। इसी तरीके से फ्रेम सेट को हम कॉलम फॉर्मेट में डिफाइन कर लिए। रो फॉर्मेट में डिफाइन करना है, बिल्कुल यहाँ पे आप रो को डिफाइन कर लेंगे और इस तरीके से आपके रो फॉर्मेट दिख जाएगा। ओके, चलिए।